दोस्तों, आपने साल 2009 में जी टीवी पर प्रसारित हुआ सीरियल झांसी की रानी देखा होगा, जो अपने दमदार कहानी के चलते तो काफी ज्यादा चर्चित रहा। साथ ही शो के हर एक किरदार ने भी इसे दर्शकों का पसंदीदा शो बना दिया। इसमें अगर प्राची और छोटी मणिकर्णिका का नाम ना लिया जाए तो ये नाइंसाफी होगी, क्योंकि ये दोनों ही तो थे जिन्हें दर्शकों ने सबसे ज्यादा पसंद किया, जिसके चलते ये टीवी की फेवरेट जोड़ी बनी। लेकिन दोस्तों, आज इस सीरियल को टीवी पर प्रसारित हुए करीब 11 साल हो गए हैं और इन 11 सालों में छोटी मणिकर्णिका और प्राची का किरदार निभाने वाली ये चाइल्ड आर्टिस्ट भी काफी बदल गई है, जिन्हें पहली नजर में पहचाना थोड़ा मुश्किल है। तो इसलिए आज के वीडियो में हम आपको सीरियल झांसी की रानी में चाइल्ड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आई छोटी मणिकर्णिका और प्राची का किरदार निभाने वाली इन बाल अभिनेत्रियों से रूबरू करवाएंगे, जो आज पहले के मुताबिक काफी बदल गई हैं। तो देर किस बात की है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सीरियल में छोटी मणिकर्णिका का किरदार निभाने वाली बाल कलाकार का असली नाम है उल्का गुप्ता, जिनका जन्म 12 अप्रैल 1997 को बिहार में हुआ और इसलिए इनकी पूरी पढ़ाई यहीं से हुई। वहीं अगर बात करें इनके अभिनय करियर की, तो इनके अभिनय करियर की शुरुआत इन्होंने साल 2006 में आए सीरियल रेशम दाग से की, जिसमें महज 9 साल की उम्र में इन्होंने दर्शकों का मनोरंजन किया। और इनके इसी अभिनय और काबिलियत को देखते हुए इन्हें और भी कई सीरियल्स में काम करने का मौका मिला, जिसे अपनाकर इन्होंने साथ फेरे और खेलती है जिंदगी, आंख मिचौली जैसे कई सीरियल्स में काम किया। साथ ही इन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जिसमें हिंदी फिल्म सिम्बा और रुद्रमा देवी जैसी फिल्में शामिल हैं। वही सीरियल में मणिकर्णिका में छोटी बहन प्राची का जबरदस्त किरदार निभाने वाली बाल कलाकार का असली नाम है अशनूर कौर, जिनका जन्म 3 मई 2004 को राजधानी दिल्ली में हुआ और इसलिए यहीं से इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई कम्प्लीट की। अगर बात करें इस बेहतरीन चाइल्ड आर्टिस्ट के एक्टिंग करियर की, तो इन्होंने महज 5 साल की उम्र में सीरियल झांसी की रानी में प्राची का किरदार निभाकर दर्शकों से खूब सुर्खियां बटोरी। इनके ऐसी शानदार अभिनय प्रदर्शन को देखते हुए इन्हें और भी कई सीरियल्स में बाल कलाकार के रूप में काम करने का मौका मिला, जिसको अपनाकर इन्होंने एक से बढ़कर एक शोज में काम किया, जिनमें न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, शोभा सोमनाथ की और ये रिश्ता क्या कहलाता है जैसे सुपरहिट सीरियल्स शामिल है। लेकिन दोस्तों, आज सीरियल झांसी की रानी को टीवी पर प्रसारित हुए करीब 11 साल हो गए हैं और इन बीते 11 सालों में ये दोनों ही कलाकार बहुत बदल गए हैं। शुरुआत करते हैं सीरियल में छोटी मणिकर्णिका का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस उल्का गुप्ता के आज के बारे में। तो बता दें, ये 23 साल की हो गई हैं। इसी के चलते इनमें आज कुछ ज्यादा ही बदलाव आ गया है। जी हाँ, जैसा कि शो में इन्हें सिंपल से अंगरखा कुर्ती या फिर एक योद्धा के किरदार में दिखा गया, तो वहीं आज इनका लुक इनके इस लुक से बिल्कुल अलग है, जो आज काफी ग्लैमरस और स्टाइलिश हो चुकी हैं। साथ ही इनका रंग भी पहले से काफी साफ हो गया है, जिसके चलते लोग इन्हें पहली नजर में पहचान भी नहीं पाते। बता दें, इन्होंने आज भी अपने एक्टिंग करियर को बरकरार रखा है, जो हाल ही में आए अभिनेता टाइगर श्रॉफ की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में अभिनय करती नजर आई थी। बात करें इनके निजी जिंदगी की, तो बता दें आज भी ये लाइफ में सिंगल हैं, फिलहाल अपने करियर पर फोकस कर रही हैं। बात करते हैं सीरियल में प्राची का चुलबुला और नटखट किरदार निभाने वाली अभिनेत्री अशनूर कौर के बारे में, जो वर्तमान में अभी 16 साल की उम्र पार कर चुकी हैं और इसी के चलते आज ये पहले के मुताबिक काफी ज्यादा बड़ी दिखती हैं। शो में आपने इन्हें घाघरा चोली और 2 गुथी हुई चोटी में देखा था, जिसमें ये काफी क्यूट दिख रही थी, तो वहीं आज इनका अंदाज काफी अलग है। जी हाँ, आज ये पहले के मुताबिक काफी ज्यादा गॉर्जियस एंड स्टाइलिश हो गई हैं। आपको बता दें, अपनी फैमिली के साथ मुंबई में रह रही हैं, जिन्होंने आज भी अपने एक्टिंग करियर को बरकरार रखा है, जो हाल ही में आए सीरियल पटियाला बिब्स में मिनी का किरदार निभाती नजर आई थी। दोस्तों, आपको इन दोनों ही अभिनेत्रियों में से किसका बदला हुआ अवतार देखकर सबसे ज्यादा हैरानी हुई, हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी दिलचस्प खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।